हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोर टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर पे ये मेरा 5th वीडियो है यानी कि पार्ट 5। मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैं आपको डाइजेशन के बारे में, माउथ, टीथ, देन इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स, ये सब किस तरह से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पर वर्क करते हैं, एसिमिलेशन ऑफ फूड, इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम लिवर के बारे में एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइजेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑन फूड टेस्ट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला है लिवर। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, लिवर सबसे मीन्स इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आर ह्यूमन बॉडी। ग्लैंड मतलब क्या होता है? विच सीक्रेट सम जूसेस। ओके, सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेट इज अबाउट 1.5 kg। लिवर का वेट कितना है? 1.5 kg। ओके, सो इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इज लोकेटेड ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। ओके, तो लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है और उसके नीचे हमारा लिवर होता है। कौन से साइड में? राइट साइड में। अंडरस्टूड? तो ये सब है लिवर के एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं लिवर का फंक्शंस क्या है। पहला फंक्शन है इट कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स। तो जब मैं एसिमिलेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा रही थी, देन उधर हम एक टर्म डिस्कस किए थे, दैट इज ग्लाइकोजेनेसिस, इज़न्ट इट? हम ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस, ये दोनों टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो ये टर्म्स क्या था? इट वाज द कन्वर्शन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू अ स्टोरेबल फॉर्म, दैट इज ग्लाइकोजन। तो इस तरह के कन्वर्शंस के थ्रू हमारे बॉडी में जो, हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ये लिवर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। Understood? So this is the first function. Second function है control of amino acid levels. इसके बारे में भी हम assimilation of food topic में discuss किए हैं और ये topic मैं part 4 वाले वीडियो में समझाई हूँ, तो अगर आप नहीं देखे then you can watch it. Okay? तो control of amino acid levels में हम deamination के बारे में discuss करेंगे। तो ये मैं पिछले वीडियो में explain की थी। Deamination क्या है? If we have extra or excess amino acids in our body, then liver क्या करता है? उसे जो amine containing portion है उसको यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जो rest of the portion है उसको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में यूज में लगाता है, isn't it? तो ये है deamination। तो ऐसे करने से एमिनो एसिड लेवल्स जो है वो बैलेंस होकर रहेगा, मीन्स एक्सेस हमारे बॉडी में नहीं रहेगा। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ फीटल रेड ब्लड सेल्स। ओके, हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में बोन में जो बोन मैरो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, बट ये एडल्ट्स के केस में होता है, यानी कि जो लोग बड़े हो गए हैं, मीन्स एडल्ट्स के केस में ही इस तरह से रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बट जो फीटस है इसमें, उनमें जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करता है? लिवर करता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज स्टोरेज। इट स्टोर्स आयरन, कॉपर एंड सेवरल विटामिन्स लाइक ए एंड डी। देन वी हैव डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जो टॉक्सिक चीजें हैं उसको रिमूव करना। सो इट डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। देन प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। लिवर जो है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है। तो ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कहीं पर चोट हो जाने से आप देखते हैं थोड़ी ही देर में उधर ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का बहुत बड़ा रोल है। तो इससे प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर करता है। देन प्रोडक्शन ऑफ हेपरिन। हेपरिन क्या है? वो एक एंटीकोएगुलेंट है, तो उसे भी प्रोड्यूस लिवर ही करता है। देन प्रोडक्शन ऑफ हीट, दैट इज बाय सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम बाय एक्टिंग एज अ टेम्पररी स्टोर ऑफ एक्सेस वाटर। देन एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक एंड मेटालिक पॉइजन्स and destruction of dead red blood cells. Understood? These are the functions of liver. Although आपके बुक में it is clearly mentioned कि this is not in syllabus, but these all things you should know. Okay, so you should know these all things. इसी वजह से मैं आपको explain कर दी. तो ये सब था liver के बारे में. अब हम कुछ experiments करेंगे which is based on digestion. पहला है the action of saliva on starch. तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें पहले हमारे पास स्टार्च सॉल्यूशन या स्टार्च का एक सस्पेंशन होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्च पाउडर को या फिर जो भी फूड सब्सटेंस जिसमें स्टार्च होता है उसका 1 ग्राम लेंगे इन 100 ml ऑफ वाटर और उसे एक बीकर में लेंगे और उसे हीट करेंगे. ओके, सो वी विल टेक 1 ग्राम ऑफ स्टार्च इन 100 ml of water in a beaker and then we will heat it. Heat करने के बाद हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और दोनों में ही थोड़ा से अभी जो सस्पेंशन बना, अभी जो हमारा स्टार्च का सैंपल बना, तो 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और वो सैंपल को हम दोनों में ही थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे. Let it be test tube A and test tube B. और हम ये दोनों ही टेस्ट ट्यूब को मीन्स पहला टेस्ट ट्यूब A को लेंगे और उसमें स्टार्च टेस्ट करेंगे और टेस्ट ट्यूब B को लेंगे और उसमें शुगर टेस्ट करेंगे. अब ये स्टार्च टेस्ट और शुगर टेस्ट क्या होता है ये हम इधर सीखेंगे. ओके, तो ये भी एक्सपेरिमेंट्स है जिससे हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस में स्टार्च है कि शुगर है. अंडरस्टूड? तो हम टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी लिए. तो जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो हमें ये पता चला कि हम जो लिए हैं सब्सटेंस उसमें स्टार्च ही है. ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि उसमें स्टार्च है. अब हम क्या करेंगे, जो स्टार्च सस्पेंशन हम पहले से बना के रखे हैं उसको फिर से और एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और हम जितना वो स्टार्च सस्पेंशन ऐड किए होंगे उतना ही सलाइवा भी उसी टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे. ओके, और इसे वो टेस्ट ट्यूब को हम अपने हाथों से ऐसे पकड़ के रखेंगे ताकि वो उसमें माइल्ड टेम्परेचर में थोड़ा से वो हीट हो जाए, थोड़ा सा हीटिंग रहे. या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको एक वाटर बीकर में रख सकते हैं जिसमें वाटर का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता है. अंडरस्टूड? अब एक 10 मिनट बाद फिर अगर हम ये स्टार्च टेस्ट करके देखेंगे देन ये पता चलेगा कि वो जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हम सलाइवा डाले हैं वो स्टार्च टेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं करेगा. और अगर हम शुगर टेस्ट करके देखेंगे देन हम देख पाएंगे कि अब वो शुगर बन चुका है. मीन्स इट विल गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर शुगर टेस्ट. बट ये सलाइवा ऐड करने से पहले क्या था, सलाइवा ऐड करने से पहले इट वाज गिविंग पॉजिटिव टेस्ट फॉर स्टार्च टेस्ट. बट सलाइवा ऐड करने के बाद वो क्या पॉजिटिव दिया, वो दिया पॉजिटिव टेस्ट फॉर शुगर टेस्ट. तो इससे क्या पता चल गया, इससे ये पता चल गया कि स्टार्च में सलाइवा का ऐड होने से वो शुगर बन जाता है. अंडरस्टूड? सो दिस इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में जिसमें हम देखे थे कि स्टार्च का डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है बाय मिक्सिंग विद द सलाइवा. तो वही हम इधर प्रैक्टिकली मीन्स एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं. अंडरस्टूड? तो ये प्रूफ भी हो गया कि हमें जो पता चला था कि हाँ माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होकर शुगर हो जाता है वो एक्चुअल में भी मीन्स इफ वी डू इट इन अ टेस्ट ट्यूब आल्सो देन द सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन. अंडरस्टूड? सो दिस वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग व्हाइट. तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है और एग व्हाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, एग व्हाइट में प्रोटीन होता है. तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जब हम डाइजेशन प्रोसेस और एंजाइम्स मीन्स हर एक पर्टिकुलर एंजाइम किस तरह से हर एक न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है इन सब के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन्स पर एक्ट करता है और उसे पेप्टाइड्स के फॉर्म में ब्रेक कर देता है. इज़न्ट इट? फर्दरमोर ये पेप्सिन कौन से ऑर्गन में होता है, यस इट इज प्रेजेंट इन स्टमक. और एक बात हम देखे थे कि स्टमक में जो प्रोसेस होता है इट ऑकर्स इन द फॉर्म मींस इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और हमारा पेप्सिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ही एक्ट करता है. ये सब हम स्टमक के बारे में जब पढ़ रहे थे, मीन्स उसमें जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं उन सब के बारे में हम जब पढ़ रहे थे वो सब डिस्कस किए थे, इजंट इट। तो लेट्स सी ये एक्सपेरिमेंट को हमें किस तरह से करना है। सो दैट्स द रीजन, सी यू कैन हियर सी दैट, हियर यू कैन सी दैट हम जो भी पढ़ रहे हैं इट इज ऑलरेडी इट्स रिलेटेड टू द प्रीवियस लेसन दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और द प्रीवियस वीडियोज दैट वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड। तो अगर आप नहीं देखे हैं इट वुड बी बेटर कि आप उसे उन वीडियोस को भी एक बार जाके देख ले ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो। ओके तो इसमें इस सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ओके हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। मैं जस्ट इधर रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, देन टेस्ट ट्यूब सी एंड टेस्ट ट्यूब डी। ओके तो ये टेस्ट ट्यूब लेने से पहले आपको और एक काम करना है एंड दैट इज आपको पहले ये जो एग वाइट है, ओके सो आपको क्या करना है पहले, हाँ, स्टर द वाइट ऑफ एन एग इन अबाउट 500 ml ऑफ वाटर, बॉयल द मिक्सचर एंड फिल्टर इट थ्रू ग्लास वूल। ओके तो टेस्ट ट्यूब लेने से पहले आप क्या करेंगे, ये एग वाइट को लेंगे और उसे 500 ml ऑफ वाटर में स्टर करेंगे यानी कि मिलाएंगे और वो जो भी बना मीन्स जिसमें वो जो सैंपल है, वो जो वाटर है जिसमें एग वाइट है उसको हम बॉयल करेंगे। देन जो फिल्ट्रेट होगा और बॉयल करने के बाद ये मिक्सचर को हम ग्लास वूल से फिल्टर करेंगे। ओके मीन्स ग्लास वूल रखा गया होगा और उसके ऊपर से हम ये मिक्सचर डालेंगे। देन हमारा जो फिल्ट्रेट मिला मीन्स वो ग्लास वूल से फिल्टर होके हमें जो मिला वो होता है हमारा फिल्ट्रेट, इजंट इट। तो ये जो फिल्ट्रेट है वो एक क्लाउडी लिक्विड होगा, मीन्स थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा वो लिक्विड। ओके अब हम क्या करेंगे, हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उनको नेम कर देंगे एज ए बी सी डी। अब हर एक Now add a few drops of 1% solution of Pepsin and hydrochloric acid as follows. अब हमें ये चारों टेस्ट ट्यूब में मीन्स एज पर आई से मीन्स जैसे मैं फर्दर बोलूंगी उस तरह से करना है, यानी कि इनमें हमें 1% सोल्यूशन ऑफ पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। तो पेप्सिन क्या है, वो एंजाइम है। ओके तो एंजाइम को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 1 by 1 जिस तरह से मैं अभी समझाऊंगी आपको उस तरह से आपको ऐड करना है। तो टेस्ट ट्यूब ए में हम बस ओनली पेप्सिन लेंगे। ओके टेस्ट ट्यूब ए में हम ओनली पेप्सिन लेंगे। टेस्ट ट्यूब बी में हम ओनली HCl लेंगे, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब सी में हम पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों लेंगे टेस्ट ट्यूब सी में। और टेस्ट ट्यूब बी में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बॉइल्ड पेप्सिन, ओके पेप्सिन लेंगे पर वो बॉइल्ड होगा मीन्स हम उसको ऑलरेडी गर्म कर चुके होंगे। तो इस तरह से हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। पहले वाले में बस पेप्सिन, दूसरे वाले में बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरे वाले में पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथे वाले में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बॉइल्ड पेप्सिन। इस तरह से हम 4 टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लेस ऑल द टेस्ट ट्यूब्स इन अ बीकर ऑफ वाटर एट अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर नियरली 10 मिनट्स। ओके तो हम क्या किए हैं, पहले तो हम वो एग वाइट को 500 ml वाटर में स्टर किए और उसे बॉईल किए, फिर हम उसे एक ग्लास वूल से फिल्टर किए, फिर वो फिल्ट्रेट को हम ये चारों ही टेस्ट ट्यूब में थोड़ा थोड़ा करके डाले हैं। ओके उसके बाद हम टेस्ट ट्यूब ए में वो फिल्ट्रेट मीन्स उसमें क्या है, उसमें प्रोटीन है क्योंकि उसमें एग वाइट था, अंडरस्टूड। फिल्ट्रेट जो हम पहले बना चुके हैं वो फिल्ट्रेट को हम चारों में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फिर वो फिल्ट्रेट डालने के बाद हम टेस्ट ट्यूब ए में पेप्सिन डालेंगे, बस पेप्सिन, टेस्ट ट्यूब बी में बस HCl, टेस्ट ट्यूब सी में पेप्सिन एंड HCl एंड टेस्ट ट्यूब डी में HCl एंड बॉइल्ड पेप्सिन। बॉइल्ड पेप्सिन यानी कि पेप्सिन को हम गर्म करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे। ओके अब हम देख सकते हैं कि जो पेप्सिन डाले हैं तो क्या होना चाहिए, प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर पेप्टाइड्स बनना चाहिए। और ये पेप्टाइड बना हमें कैसे पता चलेगा? हमारा जो सस्पेंशन था वो क्लाउडी था, इसे हम जो डाले पहले सस्पेंशन, हम जो सैंपल डाले पहले वो क्लाउडी था, इसे इट वाज अ क्लाउडी लिक्विड। तो अगर हमारा डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का, देन इट वुड बिकम अ क्लियर लिक्विड। क्लियर लिक्विड मीन्स पूरा ट्रांसपेरेंट, पूरा साफ पानी जैसा दिखेगा। अंडरस्टूड? बट जब हम ये चारों टेस्ट ट्यूब को 10 मिनट के लिए 35 डिग्री सेल्सियस वाले एक बीकर में रखें, मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस वाटर होगा, और उसको हम बीकर मीन्स ये टेस्ट ट्यूब्स को हम बीकर में रखें और 10 मिनट बाद जब हम देखें, तब हम ये देख पाए कि बस टेस्ट ट्यूब सी में जो लिक्विड था वही क्लियर लिक्विड था, और बाकी सब में जैसे इनिशियली लिक्विड था क्लाउडी वैसे ही था। तो इसका मतलब ये है, बस टेस्ट ट्यूब सी में ही प्रोटीन का डाइजेशन हो पाया। अब इस तरह से अब इस तरह से क्यों हुआ देखते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब की बात करें तो इसमें बस पेप्सिन है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पेप्सिन कैन एक्ट ओनली इन एन एसिडिक मैनर और ओनली इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? इसीलिए बस पेप्सिन होने से वो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाया। दूसरे की बात करें देन उसमें बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें जो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वही नहीं है। बट अगर हम तीसरे की बात करें देन इसमें पेप्सिन भी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने की वजह से पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम मिल जाता है, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्ट कर जाता है। और चौथे की बात करें देन इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, पेप्सिन भी है, बट इधर पेप्सिन बॉइल्ड है यानी कि हीटेड है। और हम जानते हैं पेप्सिन एक एंजाइम है, और एंजाइम्स को मीन्स एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा हीट करने से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि इधर जो पेप्सिन है इट इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, वो अपना काम और नहीं करेगा। अंडरस्टूड? तो इसी वजह से बस टेस्ट ट्यूब सी का जो लिक्विड है वो क्लियर हो पाया। ओके, सो द एक्सपेरिमेंट प्रूव्स थ्री थिंग्स। फर्स्ट, पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन ओनली व्हेन इट इज एसिडिक, सी में था। एसिड अलोन हैज नो इफेक्ट ऑन प्रोटीन, एंड बॉइल्ड पेप्सिन फेल टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इन अदर वर्ड्स, द एंजाइम पेप्सिन इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है? इफेक्ट ऑफ एसिडिटी एंड एल्कालिनिटी ऑन एन एंजाइम रिएक्शन, मीन्स ऐसे रिएक्शन जिसमें एंजाइम हो, तो उनमें एसिडिटी या एल्कालिनिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो इधर आप देख सकते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी या फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट एक एंजाइम रिएक्शन है, क्योंकि उसमें पेप्सिन प्रेजेंट है विच इज एन एंजाइम। तो हम क्या करते हैं, इसका जो हम सस्पेंशन बना कर रखे हैं उसी को और एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और उसको हम नेम कर देंगे एज ई। देन इसमें हम पेप्सिन और सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। ओके, देन हम देखेंगे मीन्स 10 मिनट बाद हम देख पाएंगे कि ये भी क्लियर सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। क्यों? बिकॉज पेप्सिन एंजाइम वर्क्स ओनली इन एसिडिक मीडियम, नॉट इन एल्कलाइन मीडियम। अंडरस्टूड? तो ये एक्चुअली देखा जाए देन एक्सपेरिमेंट थर्ड इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सपेरिमेंट सेकेंड। अंडरस्टूड? तो ये सब था एक्सपेरिमेंट और डाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल वर्क ऑन फूड टेस्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर फूड स्टफ हम लिए और अगर हम उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे देन हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि उसमें शुगर है कि स्टार्च है कि फैट है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ये सब हम किस तरह से पहचान पाएंगे। तो वो पता लगाने के लिए क्या क्या टेस्ट है वो सब हम अभी देखने वाले हैं। ओके, तो पहला है टेस्ट फॉर ग्लूकोज या शुगर। तो टेस्ट फॉर ग्लूकोज में हम क्या करते हैं, अ लिटिल ग्लूकोज इज एडेड टू, ग्लूकोज का मीन्स आप जो जिस फूड में ग्लूकोज होता है वो ले सकते हैं। सो टेक सम, अ लिटिल ग्लूकोज इज एडेड टू ब्लू ग्रीन केमिकल कॉल्ड फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, फेलिंग्स सॉल्यूशन, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है फेलिंग सॉल्यूशन। तो हम ये फेलिंग सॉल्यूशन को थोड़ा लेंगे और उसमें मीन्स ग्लूकोज लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ग्लूकोज लेंगे और उसमें हम ये फेलिंग सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन होता है। और हम ये जो टेस्ट ट्यूब को हमें हीट करना है, तो हीट करते वक्त आपको एक बात याद रखना है कि जब भी हम वो बंसन बर्नर या कोई भी चीज यूज करके हीट कर रहे हैं, देन हमें टेस्ट ट्यूब का मुंह कभी भी अपने तरफ टिल्ट करके नहीं रखना होता है। हमें हमेशा ये टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो हमसे दूर फेस करके या फिर ओपन करके रखना होता है। अंडरस्टूड। तो अगर ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, देन हम जब हीट करेंगे देन हम कभी भी इसको इस तरह से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि जो हीटिंग में जो भी फ्यूम्स हो गए या फिर जो भी होगा वो डायरेक्ट हमारे मुंह में होगा। मीन्स अगर कुछ एक्सप्लोड या कुछ भी हो गया देन हमारे मुंह में डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। इसलिए हम हमेशा ये टेस्ट ट्यूब को हमसे दूर टिल्ट करके रखेंगे। अंडरस्टूड। नाउ टिल्ट द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम यू एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम अंटिल बबल्स बिगिन टू अपीयर। मीन्स थोड़ा थोड़ा बॉयल होना या फिर थोड़ा थोड़ा बॉयल बबल आने तक आपको ये हीट करना है। नाउ यू वुड सी कि जो फेलिंग सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन कलर था वो अभी डीप ब्रिक रेड कलर हो चुका है एंड देयर इज अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स जमा हो जाता है टेस्ट ट्यूब में वो होता है प्रेसिपिटेट। तो अगर इस तरह से हुआ देन यू कैन एंश्योर कि ये फूड सब्सटेंस में ग्लूकोज है। क्या करना है ग्लूकोज टेस्ट के लिए, आपको जो भी फूड सब्सटेंस टेस्ट करना है आप वो लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, देन उसमें आप ऐड करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन होता है। देन हम ये फेलिंग सॉल्यूशन को एक फ्लेम के ऊपर रखकर हीट करेंगे एंड वी हैव टू टिल्ट द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम अस। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ब्लू ग्रीन कलर जो है मीन्स वो थोड़ी देर बाद जब बबल्स आना शुरू हो जाएगा तब हम वो फ्लेम को बंद कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि ब्लू ग्रीन जो है वो ब्रिक रेड बन चुका है, मीन्स उसका कलर जो है वो ब्रिक रेड बन चुका है, मीन्स अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अंडरस्टूड। तो अगर इस तरह से रिएक्शन हुआ देन हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये फूड सब्सटेंस में कौन सा न्यूट्रिएंट है, ग्लूकोज या शुगर है। अंडरस्टूड। तो ये है हमारा पहला टेस्ट। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च। तो टेस्ट फॉर स्टार्च किस तरह से होगा, a little starch powder is shaken in a test tube with some water and then boiled to make a solution. Okay, तो हम स्टार्च पाउडर लेंगे और उसको वाटर में थोड़ा से मिलाकर उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे एंड देन हम उसे बॉइल करेंगे सो दैट अ सॉल्यूशन इज मेड। उसके बाद बॉईल करने के बाद हम उसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। फिर जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तब हम ऐड करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। अब ये आयोडीन सॉल्यूशन का कलर क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन इज ब्लू ब्लैक इन कलर। ओके। उससे पहले आयोडीन सॉल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो भी जानना इम्पोर्टेंट है। सो आयोडीन सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम आयोडीन एंड 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो आयोडीन सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आप 100 ml ऑफ वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में 1 ग्राम आयोडीन और 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे। तो हमारा और मिक्स करने से हमारा आयोडीन सॉल्यूशन बन जाता है। Okay, so the starch solution would turn blue black, indicating the presence of starch. Okay, so sorry, just थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बोली कि आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का होता है। आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता। जब कोई फूड सब्सटेंस जिसमें हमारा स्टार्च है उसमें अगर हम ये आयोडीन सोल्यूशन को ऐड कर देंगे देन उसका कलर ब्लू ब्लैक बन जाता है। अंडरस्टूड? सो अगर इस तरह से ब्लू ब्लैक बना देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर फूड हैज स्टार्च इन इट। सो दिस इज द टेस्ट फॉर स्टार्च। अब देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो क्या करेंगे? प्लेस अ पीस ऑफ हार्ड बॉइल्ड एग व्हाइट इन अ टेस्ट ट्यूब, add a few drops of concentrated nitric acid enough to immerse the sample of the food taken। यानी कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें एग वाइट लेंगे क्योंकि वी नो कि एग वाइट में मीन्स प्रोटीन होता है। अब वो एग वाइट का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। इतना नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे जितना मीन्स जिससे ये जो हमारा फूड सैंपल है वो इमर्स हो पाए। अंडरस्टूड? इतना कर लिए। फिर क्या करना है? हीट द टेस्ट ट्यूब जेंटली देन कूल द टेस्ट ट्यूब बाय प्लेसिंग इट अंडर टैप वाटर एंड ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये टेस्ट ट्यूब को हम हीट करेंगे पहले। ओके, मीन्स बहुत ज्यादा हीट नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट ट्यूब भी फट जाएगा। तो आपको पहले ये टेस्ट ट्यूब हीट करना है, जेंटली हीट करना है। देन उसको कूल करने के लिए आप उसको टैप वाटर के अंदर दिखाएंगे। देन आप उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हर एक टेस्ट के लिए कौन कौन सा सॉल्यूशंस ऐड करना है ये सब इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उन सबको याद रखें। अंडरस्टूड? लाइक ग्लूकोज में आपको फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करना था, स्टार्च में आपको आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। देन प्रोटीन के लिए आपको पहले नाइट्रिक एसिड डालना है, फिर उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो ये सब याद रखना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने से क्या होगा? यू विल नोटिस अ कलर चेंज फर्स्ट फ्रॉम अ व्हाइट प्रेसिपिटेट टू येलो अपन हीटिंग एंड देन फ्रॉम येलो टू ऑरेंज अपन एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हुआ? पहले आप क्या किए थे? ये सैंपल को डाले थे और उसमें नाइट्रिक एसिड डाले थे और उसको आप हीट किए थे। तो हीट करने से क्या हो जाता है? ये जो है व्हाइट टू मीन्स कलर चेंज इस तरह से होता है। हीट करने से व्हाइट टू येलो हो जाता है ऑन हीटिंग। अंडरस्टूड? हीटिंग। देन उसके बाद क्या कर रहे हैं आप? उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद ये येलो जो है येलो फर्दर कलर चेंज होकर ऑरेंज बन जाता है। अंडरस्टूड? तो ये सब तभी होता है जब हमारे फूड सब्सटेंस में प्रोटीन हो। अंडरस्टूड? तो ये है टेस्ट प्रोटीन पता करने का। देन लास्ट है फैट्स एंड ऑयल्स पता करने का। ये बहुत ही आसान टेस्ट है। हम जो भी ग्राउंडनट हो या फिर जो भी नट्स जिसमें ऑयल हो या फिर बटर हो कुछ भी हो उसको हम एक पेपर में रब करेंगे तो हम देख पाएंगे कि अगर वो फूड स्टफ में ऑयल या फैट है देन वो पेपर जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है। मीन्स अगर हम वो पेपर को लेकर लाइट के अगेंस्ट देखें देन वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अंडरस्टूड? सो दीज वर द टेस्ट दैट यू शुड नो एंड यू शुड ऑल्सो रिमेम्बर द केमिकल सब्सटेंसेस और द केमिकल सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन ईच टेस्ट। ओके, सो विद दिस वे कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।